नमस्कार दोस्तों, भारतीय साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुल्ताना डाकू की अजब दास्तान के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो कि बीए के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले आप भारतीय साहित्य को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, बिना समय वेस्ट किए चलिए शुरुआत करते हैं सुल्ताना डाकू की अजब दास्तान। सुल्ताना डाकू के नाम से कुख्यात सुल्तान सिंह, सुल्ताना डाकू के नाम से कुख्यात सुल्तान सिंह का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के बिजनौर मुरादाबाद इलाके में रहने वाले घुमंतू और बंजारे भांतू समुदाय से था। मतलब बिजनौर के मुरादाबाद इलाके में रहने वाले घुमंतू और बंजारे भांतू समुदाय से था। भांतू अपने आप को मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप का वंशज मानते हैं। वे मानते हैं कि मुगल सम्राट अकबर के हाथों हुई राणा महाराणा प्रताप की पराजय के बाद भांतू समुदाय के लोग भागकर देश के अलग अलग हिस्सों में चले गए। अंग्रेज सरकार ने भांतू समुदाय को अपराधी जाति घोषित किया हुआ था और वह उनकी गतिविधियों पर लगातार नज़र बनाए रखती थी। यह बात सच भी है कि क्योंकि इस समुदाय के लोगों को लेकर सामाजिक धारणा भी यही थी। इस बात को ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित करने के लिए भांतुओं के अति प्रसिद्ध पुरखे गुल्फी का नाम लिया जाता था, जो कि एक कुख्यात लेकिन बेहद कुशल चोर था। खुद सुल्ताना का दादा गुल्फी का अवतार माना जाता था। सुल्ताना का जन्म मुरादाबाद जिले के हरथला गांव में हुआ था। बताया जाता है कि अलबत्ता अन्य स्थानों पर उसका जन्म स्थान बिलारी और बिजनौर भी बताया गया है। सुल्ताना की माँ कांठ की रहने वाली थी। अंग्रेजों ने कांठ के भांतू समुदाय को नवादा में साल्वेशन आर्मी के कैंप में पुनर्वसित कर दिया था और सुल्ताना का बचपन वहीं बीता। अंग्रेज सरकार का मानना था कि कैंप पर रहने से इस समुदाय के बच्चे भले नागरिक बन सकेंगे। सुल्ताना अपने जीवन काल में ही एक मिथक बन गया था। उसके बारे में यह जनधारणा थी कि वह केवल अमीरों को लूटता था और लूटे हुए माल को गरीबों में बांट देता था। यह एक तरह से सामाजिक न्याय करने का उसका तरीका था। जनधारणा इस तथ्य को लेकर भी निश्चित है कि उसने कभी किसी की हत्या नहीं की। यह अलग बात है कि उसे एक गांव के प्रधान की हत्या करने के आरोप में फांसी दे दी गई बेहद साहसी और दबंग सुल्ताना ने अपने अपराधों के चलते उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब और मध्य प्रदेश में अपना आतंक फैलाया। सुल्ताना का मुख्य कार्यक्षेत्र उत्तर प्रदेश के पूर्व में गोंडा से लेकर पश्चिम में सहारनपुर तक पसरा हुआ था। पुलिस उसे खोजती रहती थी, लेकिन वह अपनी चालाकी से हर बार बच जाता था। कहते हैं कि वह डकैती चलाने से पहले लूटे जाने वाले परिवार को बाकायदा चिट्ठी भेजकर अपनी आने की सूचना दिया करता था। दोस्तों, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। जिम कॉर्बेट में अपनी प्रसिद्ध किताब माई इंडिया के अध्याय सुल्ताना इंडियाज रॉबिनहुड में सुल्ताना के चरित्र का आकलन करते हुए एक जगह लिखा है, एक डाकू के तौर पर अपने पूरे करियर में सुल्ताना ने किसी निर्धन आदमी से एक कौड़ी भी नहीं लूटी। सभी गरीबों के लिए उसके दिल में एक विशेष जगह थी। जब जब उससे यह चंदा मांगा गया, उसने कभी इनकार नहीं किया और छोटे दुकानदारों से उसने जब भी कुछ खरीदा, उसने उस सामान को हमेशा दो गुना दाम चुकाया। अपने अंतिम वर्षों में वह अपने कार्य क्षेत्र मुख्यतः कुमाऊं के तराई बाभर से लेकर नाजीबाबाद तक सीमित कर चुका था। जिम कॉर्बेट की सुल्ताना संस्मरणों में बार बार काला ढूंगी, रामनगर और काशीपुर का जिक्र आता है। बताया जाता है कि सुल्ताना ने नजीबाबाद में एक वीरान पड़े किले को अपना गुप्त ठिकाना बना लिया था। 400 वर्ष पहले नवाब नजीबुद्दौला के द्वारा बनाए गए इस किले के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं और यह एक दिलचस्प तथ्य है कि आज उसे नजीबुद्दौला का नहीं बल्कि सुल्ताना का किला कहा जाता है। हालांकि सुल्ताना खुद को महाराणा प्रताप का वंशज मानता था। उसका डील डॉल उसके इस दावे की खारिज करता था। वह छोटे कद का सांवली रंगत वाला एक मामूली आदमी था, जिसके ढंग की दाढ़ी मूछें भी नहीं थी। फिलहाल उसके मन में ठाकुरों के लिए अदब और सम्मान था, जबकि व्यापारी वक्त से वह नफरत करता था और उसी को अपना शिकार बनाता था। उसके गर्व और विद्वेष के दो उदाहरण इस तथ्य में देखे जा सकते हैं कि उसने अपने घोड़े का नाम चेतक रखा हुआ था और कुत्ते का नाम था राय बहादुर। 300 सदस्यों के सुल्ताना के गिरोह के पास आधुनिक हथियार तो थे ही, वह बेहद वफादार और अनुशासित भी था। ऐसे संगठित गिरोह के सामने पुलिस भी भयभीत रहती थी। चूंकि सुल्ताना अपने इलाकों के गरीबों के बीच एक मसीहा माना जाता था, चप्पे चप्पे में लोग उसके जासूस बन जाते को तैयार रहते थे। अनेक ब्रिटिश अफसर उसे दबोचने के काम में लगाए गए, लेकिन कोई भी सफल न हो सका। अंततः टेहरी रियासत के राजा के अनुरोध पर ब्रिटिश सरकार ने सुल्ताना को पकड़ने के लिए एक कुशल और दुस्साहसी अफसर फ्रेडी यंग को बुलाया।
आगे जाकर फ्रेड यंग का नाम इतिहास में सुल्ताना के साथ अमिट रूप से दर्ज हो गया, क्योंकि उसने लंबे संघर्ष के बाद फ्रेडी ने न केवल सुल्ताना को धर दबोचा, उसने सुल्ताना की मौत के बाद उसके बेटे और उसकी पत्नी की जैसी सहायता की, वह अपने आप में एक मिसाल है। 300 सिपाहियों और 50 घुड़सवारों की फौज लेकर फ्रेडी यंग ने गोरखपुर से लेकर हरिद्वार के बीच ताबड़तोड़ 14 बार छापेमारी और अंततः 14 दिसंबर 1923 को सुल्ताना को नजीबाबाद जिले के जंगलों से गिरफ्तार कर हल्द्वानी की जेल में बंद कर दिया गया। सुल्ताना के साथ उसके साथी पीताम्बर, नरसिंह, बलदेव और भूरे भी पकड़े गए थे। इस पूरे मिशन में कॉर्बेट ने भी यंग की मदद की थी। नैनीताल की अदालत में सुल्ताना पर मुकदमा चलाया गया और इस मुकदमे को नैनीताल गन केस कहा गया। उसे फांसी की सजा सुनाई गई। हल्द्वानी की जेल में 8 जून 1924 को जब सुल्ताना को फांसी पर लटकाया गया, उसे अपने जीवन के 30 साल पूरे करने बाकी थे। 2009 में पेंगुइन इंडिया से छपी किताब कन्फेशन ऑफ सुल्ताना डाकू की शुरुआत में लेखक सुजीत सराफ ने उसे फांसी दिए जाने से ठीक पिछली रात का जिक्र किया है। सुल्ताना को एक अंग्रेज अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल सैमुअल पीटर्स के सम्मुख स्वीकारोक्ति करता हुआ दिखाया गया है। सुल्ताना बताता है कि चूंकि उसका ताल्लुक एक गरीब परिवार से था और उसकी माँ और उसके दादा ने उसे नजीबाबाद के किले में भेज दिया, जहाँ मुक्ति फौज यानी सालवेशन आर्मी का कैंप चलता था। इस कैंप में सुल्ताना और अन्य भांतुओं को धर्मांतरण कर ईसाई बनाने के अनेक प्रयास किए गए, लेकिन वह वहाँ से भाग निकला। यहीं से उसके आपराधिक जीवन का आरंभ हुआ। अपराध में निपुण सुल्ताना अपने मुंह में चाकू भी छिपा सकता था और समय आने पर उसे इस्तेमाल भी कर सकता था। वाह भाई, इस बात के प्रमाण हैं कि फ्रेंडी यंग ने सुल्ताना की पत्नी और उसके बेटे को भोपाल के नज़दीक पुनर्शहीद किया। बाद में उसने उसके बेटे को अपना नाम दिया, उसे पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेजा। कहते हैं कि फ्रेडी यंग ने ऐसा करने का सुल्ताना से वादा भी किया था। जहां तक सुल्ताना डाकू के व्यक्तित्व जीवन का प्रश्न है, उसके साथ जोड़ी कर देखी जाने वाली स्त्रियों में फूल कुंवर और डकैत पुतलीबाई के नाम सामने आते हैं, लेकिन प्रामाणिक रूप से कुछ भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। यह उचित भी है कि ऐसे आकर्षक और विरोधाभासी जीवन के स्वामी का इतिहास फैंटसियों कल्पनाओं और मिथकों के आवरणों में ढका हुआ रहे। 1956 में मोहन शर्मा ने जय रास और शीला रमानी को लेकर RD फिल्म्स के बैनर तले सुल्ताना डाकू फिल्म का निर्माण किया। उसके बाद 1972 में निर्देशक मोहम्मद हुसैन ने भी फिल्म सुल्ताना डाकू बनाई, जिसमें मुख्य किरदार दारा सिंह ने निभाया। अजीत और हेलेन ने फिल्म में दूसरे किरदार निभाए थे। सुल्ताना के जीवन पर हाथरस के रहने वाले नथाराम शर्मा गौड़ ने सुल्ताना डाकू उर्फ गरीबों का प्यारा नाम से किताब लिखी। लखनऊ जिले के रहने वाले लेखक अकील पेंटर ने शेर ए बिजनौर सुल्ताना डाकू शीर्षक किताब लिखी, जिस पर आधारित नाटकों पर अनेक नौटंकियाँ खेली जाती रहीं और उत्तर प्रदेश और बिहार के गाँव शहरों में दशकों तक इनका डंका बसता रहा। इस नौटंकी में एक जगह सुल्तान और उसकी काल्पनिक प्रेमिका नीलकमल के बीच चलने वाले वार्तालाप की वानगी देखी है। प्यारी कंगाल किसको समझती है तू, कोई मुझ सा दबंगर ना रश्क एक कमर जब हो ख्वाहिश। तो दोस्तों ये इसका वार्तालाप है, ये इसे नहीं पढ़ते हम। सुल्ताना की मौत के बाद उसे याद करते हुए जिम कॉर्बेट ने माई इंडिया के अध्याय सुल्ताना इंडियाज रोबिन हुड में लिखा है कि समाज मांग करता है कि उसे अपराधियों से बचाया जाए और सुल्ताना एक अपराधी था। उस पर देश के कानून के मुताबिक मुकदमा चला, उसे दोषी पाया गया और उसे फांसी दे दी गई। जो भी हो, एक छोटे से आदमी के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है, जिसने 3 साल तक सरकार की ताकत का मुकाबला किया और जेल की कोठरी में अपने व्यवहार से पहरेदारों का दिल जीता। मैं चाह सकता था कि न्याय की मांग न हो, कि उसे बेड़िया पहनाए हुए सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाए और उन लोगों के मखौल को पात्र बनाया जाए जो उसके जीते जी उसके नाम से थर्राते थे। मैं यह भी चाह सकता था कि सिर्फ इस निबाह मैं ये भी चाह सकता था कि सिर्फ इस बिना पर उसे थोड़ी कम कठोर सजा दी जाती। उस पर पैदा होते ही अपराधी का ठप्पा लग गया था और उसे पूरा मौका नहीं दिया गया था। और यह कि जब उसके हाथ में ताकत थी, उसने गरीबों को कभी नहीं सताया। और कि यह कि जब बरगद के एक पेड़ के पास मेरी उससे मुलाकात हुई, उसने मेरी और मेरे साथियों की जान बख्श दी थी। आखिर में इस बात के लिए कि वह फ्रेडी से मुलाकात करने गया तो उसके हाथों चाकू
या रिवॉल्वर नहीं बल्कि एक तरबूज था। तो दोस्तों ये तो पूरा सुल्ताना डाकू का कहानी थी इसकी, ये बीए में सिलेबस में है ये दोस्तों। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके पीडीएफ इसकी ले सकते हैं। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।